हाय, मेरा नाम है अर्पित और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वन प्लस नॉर्ड 3 के बारे में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि वन प्लस नॉर्ड 3 बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, यानी कि अप्रैल और जून के आसपास ये फ़ोन हमें इंडिया में देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे में बहुत सारी लीक्स आई, मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए कि हमें इस फ़ोन में डायमंडी 8100 देखने के लिए मिलेगा या फिर 8200 चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। जो भी पुरानी लीक्स थी 150 वॉट चार्जर वाली, 100 वॉट चार्जर वाली, सब की सब लीक्स धरी की धरी रह गई। जब कल एक पोस्ट आया, उस पोस्ट में 110% जो स्पेसिफिकेशंस लिखी थी वो आज जाके ट्रू हो गई हैं। आज सुबह मैंने एक पोस्ट पढ़ा जिसमें ये क्लेम किया गया था कि चाइना में एक नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है वन प्लस का, वन प्लस 11 डायमंडी एडिशन, जो कि दिखने में वन प्लस 11R जैसा ही है, बट इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। बाकी बैक से भी दिखने में बिल्कुल सेम है, स्पेसिफिकेशंस सारी चेंज है। तो वो फ़ोन इंडिया में आने वाला है वन प्लस नॉर्ड 3 के नाम से। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी फ़ोन की कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में और बाद में जाके बात करने वाले हैं इस फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं इस फोन के बिल्ड से। सो यहाँ पे आपको अलर्ट स्लाइडर देखने के लिए मिलेगा। इस फोन का जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का होगा। बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगी। बात कर लीजिए इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। सो यहाँ पे आपको 6.72 का एक फ्लूइड एमोलेड पैनल मिलेगा। रिफ्रेश रेट के बारे में यहाँ पे दो न्यूज हैं, या तो आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा या तो फिर 120 हर्ट्ज का देखने के लिए मिलेगा। दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। ये जो डिस्प्ले है HDR10+ सर्टिफाइड होगा, साथ ही साथ में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी अच्छा खासा होगा, 92.5%। इस फोन में आपको ऑक्सीजन OS 13 मिलेगा जो कि बेस्ड होगा एंड्रॉयड 13 पे। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 9000 वाला चिपसेट देखने के मिलेगा जो कि एक 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड CPU है। यहाँ पे आपको सिंगल कोर मिल जाएगा कॉर्टेक्स X2 वाला, 3 कोर्स मिल जाएंगे आपको कॉर्टेक्स A710 वाले, 4 कोर्स मिल जाएंगे आपको कॉर्टेक्स A510 वाले। यहाँ पे आपको माली G710MC10 GPU देखने के लिए मिलेगा। इस फोन में आपको LPDDR4X RAM देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ में UFS 3.1 की स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगी। 128GB 256GB ये दो वेरिएंट्स मिलेंगे और 8GB and 12GB ये दो RAM ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। जो प्राइमरी लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाएगा। बात कर ली जाए फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल शूटर भी देखने के लिए मिलेगा। इस फोन में आपको वन प्लस OIS भी ऑफर करने जा रहा है, साथ ही साथ में फ्रंट में आपको EIS देखने के लिए मिल जाएगा। इस फोन से आप इजिली रिकॉर्ड कर पाएंगे 4K at 30 frames per second। यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, हाईरेस ऑडियो का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में 5000mAh की आपको बैटरी ऑफर करेगा वन प्लस, और 80 वॉट का चार्जर भी मिलेगा। बात कर लीजिए इस फोन की प्राइसिंग के बारे में। सो ये जो फोन है इसकी प्राइसिंग चाइना में तो कुछ भी होगी, पर चाइना में ये फोन वन प्लस A2 MediaTek Dimensity एडिशन नाम से जाने वाला है और इंडिया में वन प्लस नॉट 3 नाम से आएगा। वहाँ पे ये फ़ोन अप्रैल में लॉन्च होने वाला है और इंडिया में इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है वो 30,000 to 40,000 रुपीज़ के बीच में होने वाली है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको देखने के बाद वन प्लस नॉट 3 AKA वन प्लस A2 डायमंडी एडिशन के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।